स्वागत है आपका चैनल देसी स्वाद में। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, देसी स्वाद चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं फ्राइड सोया चाप की रेसिपी। इन सोया चाप को हमने घर पे ही बनाया था, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। हमने ये वाली सोया स्टिक्स जो बनाई थी, इनकी स्टिक्स को हमने निकाल दिया, और क्योंकि इनको हमने फ्रीज में फ्रोजन करके रख लिया था, तो अब हमने फ्रीज में से निकाल के इसको 5 मिनट के लिए पहले बाहर रख लिया था। अब हम इनको आज हम फ्राई करके बताएंगे। तो फ्राई करने के लिए सबसे पहले हमने ये सोया चाप लिए, और सोया चाप को सबसे पहले हम मैरिनेट करेंगे। उसके लिए हमने ये दही लिया है। दही को हम एक बाउल में डालेंगे। मसाले डाल देंगे। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर, एक कसूरी मेथी, और दही को हम अच्छे से हिला लेंगे। और ये अपनी सोया चाप की जो स्टिक्स हैं उनको इसमें डाल देंगे। और इसको अच्छे से हिला देंगे। अब हम इसको आधा घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये मैरिनेट हो जाएंगी तो हम इनको तेल में फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये आधे घंटे के बाद हमारी जो चाप है वो मैरिनेट हो चुकी है। ये देखिए, अब हम इसके लिए घोल तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने ये मैदा लिया है। मैदे में हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च और ये थोड़े से डालेंगे हम चिली फ्लेक्स। थोड़ा सा डालेंगे इसमें नमक। थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला। अब हम इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। धीरे धीरे हम इसमें पानी डालेंगे। देखिए, थोड़ा सा और पतला कर लेते हैं। थोड़ा इसको हम पतला ही रखेंगे, क्योंकि हमने अपनी जो सोया स्टिक्स है उसको इसमें डिप करना है।
ये देखिए ये हमारा घोल तैयार है। अब हमने इसके लिए सोया चम्स के कुछ लिए थे टुकड़े, जिनको हमने थोड़ा सा कूट के इसके अंदर जैसे कूट लिया है हमने ऐसे इस क्रम्स को ऐसे करके ऐसे कूट कर इसमें हमने कूट लिया था। ये देखिए हमने सोया चम्स को कूट कर ऐसे उसका एक पाउडर सा मतलब दरदरा सा पाउडर जो है वो तैयार कर लिया है। अब हम ये सोया चाप को लेंगे और मैदे में डिप करेंगे और डिप करने के बाद हम इसको ये सोया चाप के जो क्रम्स थे पाउडर बनाया था हमने इसके अंदर इसको हम अच्छे से लपेट देंगे। ये देखिए हमने अच्छे से इसको लपेट दिया है। ऐसे ऐसे ही हम अपनी सारी सोया स्टिक्स को मैदे में लपेट के और फिर इसके अंदर अच्छे से रोल करके तैयार करके रख लेंगे। ये देखिए इसको अच्छे से ऐसे ये देखिए ऐसे हमने अपनी सारी सोया चाप को ऐसे तैयार करके रख लेना है। ये हमने अपनी सोया चाप को सोया क्रम्स में लपेट कर रेडी कर लिया है। अब हम इन गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है जिसमें हमने तेल गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें एक एक करके ये अपनी सोया चाप को फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्लेम को हमने अभी लो ही रखा है क्योंकि तो एकदम से नहीं तो लाल हो जाएंगी, इसलिए हमने इसको धीरे ही रखा है। थोड़ा थोड़ा तेल हम इनके ऊपर डाल देंगे। ये थोड़ी सी फ्राई हो जाएंगी तो हम इनको पलट देंगे। देखिए अब हम इनको पलट के देख लेते हैं। ये देखिए ये एक तरफ से सिक चुकी है। ये देखिए अब हम इनको दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। ये बनने के बाद काफी क्रिस्पी हो जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। ये देखिए हमारी सारी जो सोया चाप है वो फ्राई हो चुकी है। अब हम इनको धीरे धीरे निकाल लेंगे। ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से काफी सॉफ्ट होती है। साइड में करके हम इनका जो एक्स्ट्रा तेल है उसको निकाल देंगे।
ये देखिए, ये काफी अच्छी और काफी क्रिस्पी बनी है। ये देखिए हमारी फ्राइड सोया चाप बनकर तैयार है। आप इसको सॉस, हरी चटनी या किसी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। आप इसको स्नैक्स में या सुबह के नाश्ते के साथ सुबह भी इसको ट्राई कर सकते हैं। आप भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, बच्चों को ये बहुत पसंद आती है और खाने में ये बहुत पौष्टिक होती है। ये देखिए, ये ऊपर से कुरकुरी होती है लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट होती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। थैंक यू।